एक्ट्रेस वहीदा रहमान। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जावेद अख्तर के 75वें जन्मदिन पर पहुंची थी उनकी पार्टी का हिस्सा बनने। वहां खुशमिजाज वहीदा रहमान को अपनी बेटी के साथ देखा गया था। लेकिन आज यहां पर हम आपको बताएंगे कि वहीदा रहमान, जिन्होंने साल 1974 से लेकर साल 2000 तक शादीशुदा जिंदगी में अपने पति का साथ तो पाया, लेकिन पति को खो देने के बाद दोबारा अपने तमाम चाहने वालों की जब उन्हें याद आई, तमाम अपने करीबियों की याद आई, तो बुढ़ापे के इस अकेलेपन और इस दर्द भरे जिंदगी में अपने पुराने दोस्तों और अपने जिगरों को खो देने के दर्द में वहीदा रहमान एक बार नहीं कई बार रोई। अपने पुराने सफर को याद करते हुए वहीदा ने कितनी बार आंसू बहाए हैं। 81 की उम्र में वहीदा की वो दर्द भरी झलक देखकर आप भी रो पड़ेंगे, जो हम आप सभी के बीच हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में लेकर आए हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, वहीदा रहमान की दर्द भरी झलक हम आपको दिखाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में अपने शानदार करियर के लिए हमेशा लोगों के बीच चहेती रहने वाली वेटेरियन एक्ट्रेस वहीदा रहमान एक ऐसा नाम है जिससे कोई अनजान नहीं। वहीदा रहमान के बारे में लोग कहते हैं कि एक्ट्रेस वहीदा ने जब भी अपनी पहचान को बनाकर रखा, लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपने इमोशनल एक्टिंग स्किल से लोगों को दीवाना बनाया। 50 से लेकर 60 और 70 के शुरुआती दौर की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में हिंदी से लेकर तेलुगु, तमिल से लेकर बंगाली और मलयालम फिल्मों की मल्लिका वहीदा रहमान न सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस हैं, बल्कि शानदार डांसर भी हैं, जिन्होंने साल 1974 में कमल जीत के साथ शादी के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। साल 1974 में शादी के बाद वो शादीशुदा जिंदगी में साल 2000 तक तो बहुत खुश रही। दो बच्चे भी हुए, सुहेल रेखी और कश्वी रेखी, जिनके साथ वो हमेशा नजर आती ही हैं। फिल्म प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं के चांद, साहब बीबी और गुलाम से लेकर गाइड की हीरोइन, गुरुदत्त से लेकर कमलजीत, देवानंद से लेकर अपने जमाने के टॉप मोस्ट स्टार्स में विशंती माला, आशा पारिक जैसी एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने बॉलीवुड में अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस को टक्कर दिया था, जिन्होंने शशि कपूर के साथ भी अच्छा रिश्ता रखा। यही कारण है कि वहीदा रहमान खुद को नहीं रोक पाई जब शशि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। शशि कपूर के निधन पर किस तरह से रो पड़ी थी वहीदा, वो देखकर आप भी फफक पड़ेंगे, क्योंकि वहीदा को चुप कराने के लिए तब सिर्फ और सिर्फ वहां पर रेखा ही थी, जो उनकी आंखों में आने वाले आंसू को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीदा एक ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्हें इमोशनल कई बार कई मौके पर लोग देखते आए हैं। वहीदा रहमान के इमोशनल मोमेंट्स की अगर याद की जाए तो वो फिल्मों में जो रोती थी वो रियल लाइफ में 81 की उम्र में जब रोती हैं तो लोग ये देखकर फफक पड़ते हैं, क्योंकि जिस शशि कपूर के साथ वहीदा रहमान की फिल्म नमक हलाल को लोग याद करते हैं, उस फिल्म में शशि और वहीदा का रिश्ता कितना गहरा, कितना खूबसूरत था, लोग भूल नहीं पाए हैं। अमिताभ बच्चन और वहीदा और शशि के उस फिल्म को लोग आज भी याद करते हैं। यही कारण है कि वहीदा रहमान के उस फिल्म ने उनकी एक्टिंग को देखकर लोग आज भी उनके रिश्ते की तारीफ करते हैं। यही कारण है कि वहीदा रहमान जब इस उम्र में रो पड़ती हैं तो लोग ये देखकर फफक पड़ते हैं। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस वहीदा को आपने इससे पहले शायद इस तरह से रोते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वहीदा रहमान को रोते हुए देख अच्छे अच्छे सितारों की आंखों से आंसू आ गिरे थे। वहीदा को एक बार बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने भी रुला दिया था। यहां तक कि वहीदा रहमान रो पड़ी थी एक इंटरव्यू के दौरान जब वो पहुंची थी देवानंद के एक मेमोरियल स्टैचू के उनके पहले पुण्यतिथि पर देखने के लिए। आउट ऑफ इंडिया भी उनके इमोशंस को देख लोग रो पड़े थे।
वहीदा रहमान एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा ही लोगों के बीच अपनी बातें रखी है। एक ऐसी टैलेंट जिसने अमिताभ बच्चन को अपना बना लिया। अमिताभ बच्चन के दिल में सबसे ज्यादा जगह लेने वाली अगर बात की जाए वहीदा रहमान की, तो स्टेज पर वहीदा रहमान रो पड़ी थी एक बार जब शाहरुख ने उनकी तारीफ कर दी थी। यहां तक कि जब स्पेशल अवार्ड से वहीदा रहमान को नवाजा गया था, स्पेशल अवार्ड से जब वहीदा रहमान नवाजी गई थी, तो उस वक्त वहीदा रहमान को देखकर लोग उनकी तारीफ करने से नहीं रुके थे। वहां पर भी अपने आंसू पोंछ रही थी वहीदा। यशवंत फिल्म के दौरान, फिल्म से जुड़े अवार्ड शो के दौरान उन्हें स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल तब भी हुई थी। वहीदा रहमान ने रैंप वॉक किया है इस 80 की उम्र में। वहीदा ने डांस किया है रियलिटी शोज़ में। वहीदा ने तमाम लोगों के बीच इंटरव्यूज़ में अपने ज़िंदगी के किस्सों को साझा किया है। वहीदा जिन्हें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग पीरियड को याद कर लोग याद आते हैं तो वो रो पड़ती हैं। वहीदा रहमान जो कि हमेशा अपने प्यारे मित्रों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर हमेशा ही इमोशनल होती रही हैं। बजरंगी भाईजान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा रो पड़ी थी वहीदा एक बार एक इंटरव्यू में। तब उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भरा पड़ा था। दरअसल उनका कहना था बजरंगी भाईजान इज अ ट्रू एंड इमोशनल मूवी। उन्होंने सलमान के प्यार को देखकर, एक बच्ची के लिए प्यार को देखकर अपने आंसू बहाए थे और उन्हें अपना ज़माना याद आ गया था जब इमोशनल फिल्मों को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। एक बार तो महात्मा गांधी फोनिक्स सेटलमेंट के दौरान भी वहीदा रहमान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब वहां पर उनके साथ और भी सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे। वहीदा उस मौके पर लोगों से मिलकर बेहद ही ज़्यादा भावुक हो गई थी। हर किसी की जिंदगी में वहीदा रहमान की एक अलग जगह है। वहीदा को लेकर ऐसी खबरें आपने बहुत कम ही सुनी होगी कि वहीदा जो हैं बॉलीवुड टाउन में किसी इवेंट फंक्शन में आने से मना करती हैं, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू ज़रूर भर आते हैं अपने पुराने दिनों को याद कर। 80 की उम्र में वो अपने उस ज़माने को याद करती है जब वो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। आज वहीदा को बिना सपोर्ट के चलते नहीं देखा जाता, जिसके कारण उन्हें बिना सहारे के किसी भी जगह अकेले जाना पसंद नहीं होता। यही कारण है कि वहीदा रहमान को लेकर हमेशा ही उनका सपोर्ट करने के लिए लोग मौजूद रहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो हर किसी के, खास तौर पर अगर बात की जाए अपने पसंदीदा सितारों को लेकर, तो वो जब भी नज़र आई हैं तो वो बहुत इमोशनल रही हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम होना हो, साधना के गुजर जाने पर जब वहीदा उन्हें अंतिम बार देखने पहुंची तो उनकी आखिरी झलक देखकर वहीदा नहीं रोक पाई थी खुद को। और तो और जब बॉलीवुड की हवा हवाई क्वीन गई तब भी उनके आंसू बहने लगे और तब वहां पर उन्हें संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वहीदा एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जो कि अपने आप को नहीं रोक पाती हैं अपने चहेतों को अपने सामने जाते देख, जो हमेशा हर किसी की खुशियों की दुआ करती हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं जब उनके चाहने वाले चले जाते हैं और उन्हें रोते हुए देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वहीदा रहमान अपने आंसू नहीं रोकती हैं, बहते आंसू को वो नहीं रोकती है, वैसे बहते आंसू को वो आंखों से निकालती रहती हैं। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया वहीदा रहमान की दर्द भरी कहानी, कितनी ज़्यादा यादगार लम्हों से जुड़ी हुई थी, उनकी पुराने फिल्मी सफ़र से जुड़ी हुई थी, उनके रिश्तेदारों और उनके करीबियों, उनके चहेते दोस्तों से जुड़ी हुई थी, जिसे याद कर उनकी आंखों में आंसू वो खुद भी नहीं रोक पाती और संभालना मुश्किल हो जाता है वहीदा को जब वो अपने आंसू बहाती है। वक्त हो गया है यहीं पर आपसे इजाजत लेने का। बहुत जल्द लौटेंगे ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।